जी लखनऊ जोन ने हरदोई कोतवाली सिटी का वार्षिक निरीक्षण किया। हरदोई पहुंचे अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन ने शहर कोतवाली हरदोई का वार्षिक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान थाना कोतवाली की महिला हेल्प डेस्क, थाना कार्यालय मालखाना, कंप्यूटर कार्यालय मेष, आरक्षी बैरक के साथ संपूर्ण थाना परिसर का निरीक्षण किया। अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन ब्रजभूषण के द्वारा थाना कार्यालयों के अभिलेखों के निरीक्षण कर बेहतर रखरखाव और उनको अधावधिक रखने हेतु सर्व संबंधित आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। साथ में कोतवाली परिसर की व्यवस्थाएं देखकर खुश हुए और सीओ सिटी को बधाई दी। जन शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा करने और कार्रवाई के संबंध में पीड़ित से फीडबैक लेकर उससे संतुष्ट करने हेतु निर्देशित किया। अधीनस्थों द्वारा लगाई गई आख्या की भी नियमित अंतराल पर समीक्षा हेतु निर्देशित किया गया है। महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों को कठोर सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिए। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन हेतु विभिन्न कार्यक्रम व गोष्ठी कर उन्हें सुरक्षा संबंधी जानकारी देने के साथ जागरूक करने के निर्देशित किया है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणी करने वालों पर पुलिस नज़र बनाए रखे, साथ ही पोस्ट शेयर करने वाले व कमेंट करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च तक 5 महीने में माफियाओं की और जो सातिर अपराधी हैं उनकी लगभग 125 करोड़ की संपत्ति हम गैंगस्टर में जब्त कर चुके हैं और ये कार्रवाई अभी बहुत तेज़ी से हमारी जारी है। इसके साथ साथ 1440 जो हमारे बड़े अपराधी हैं, माफिया हैं, इनके खिलाफ़ हम गैंगस्टर में कार्रवाई करके उनको जेल भेज चुके हैं। 12 को हम रासुका लगा चुके हैं। 602 बड़े अपराधियों को जिला बदर करा चुके हैं। 765 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोल चुके हैं। 340 गैंग हम लोगों ने ऐड कराए हैं। इसके साथ साथ जो अवैध शराब के धंधों में इन्वॉल्व हैं, ऐसे 131 शराब माफियाओं पर हम लोगों ने गैंगस्टर में कार्रवाई करी है। उनकी लगभग 28 करोड़ की संपत्ति जब्त करी की गई है। 3 को रास्ता में जेल भेजा गया है। इसी प्रकार से गौ तस्करी करने वाले लगभग 315 अपराधियों को हमने गैंगस्टर में जेल भेजा है। उनकी भी लगभग 4 करोड़ की संपत्ति जब्त कराई है। तो ये अभियान जो माफिया हैं या साथ अपराधी हैं लगातार जारी रहेगा। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होंगी। इनकी जो प्रॉपर्टी इन्होंने अर्जित करी है क्राइम से जब्त की जाएंगी। जो इनके सहयोगी हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि कोई अपराधी हिम्मत न करने पाए। इसके साथ साथ जो आम पब्लिक है, हमारा प्रयास है हर लेवल पर, थाना चौकी अधिकारी लेवल पर उनकी समस्याओं का निस्तारण हो, उसके लिए हम लोगों ने फीडबैक सिस्टम भी बनाया है। हर थाने में हमारी महिला हेल्प डेस्क कार्य कर रही हैं, साइबर हेल्प डेस्क काम कर रही हैं। तो कुल मिलाकर के पोजीशन काफ़ी अच्छी है और ये जो काम हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सर, जिस तरह से चाहे वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, अन्य हो प्लेटफॉर्म्स हों, 24/7 निगरानी जिले लेवल पर, रेंज लेवल पर, जोन लेवल, डीजी ऑफिस लेवल पर हमारी रहती है। आपने कल ही आपने देखा, हरदोई में देखा होगा, 3 ऐसी पोस्ट आई थी, तीनों मुकदमे कायम किए गए, लोग अरेस्ट किए गए हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसी पोस्ट डालेगा जो किसी की भावना को भी भड़काएगा, आहत करेगा, मुकदमा भी सख्त धाराओं में कायम किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा। और ऐसी पोस्टों को शेयर करने वाले लोग या उन पर पुनः लिखने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सर, चोरी की वारदात, चोरी की वारदातें अभी मैंने फिगर देखा है और बाकी भी देखा है, ऐसा नहीं है। क्राइम ऑलमोस्ट हर हैंड में कंट्रोल है, चाहे कोई भी हैंड हो, और कार्रवाई लगातार जारी है। सर, कुछ लोग अंडर ट्रांसफर है, एक समय सीमा हम लोग तय करते हैं।